ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी जो मैंने वकालत के दौरान पढ़ा और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, और आपका भी आई थिंक यही इंटरेस्ट होगा इस वाले सब्जेक्ट में। मे भी हो सकता है, ना हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और कौन सा है आपका प्रिय सब्जेक्ट वो बताना LLB और BA LLB में। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ इस सब्जेक्ट के बारे में। मैं आपको दो सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊँगी यहाँ पे, IPC और आपको बताऊँगी CRPC के बारे में। तो IPC क्या है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन पैनल कोड। जो इसमें क्या दंड निर्धारित किया जाता है, जब भी हमारे ऑनरेबल जजेस जो है वो पास करते हैं, कोई जजमेंट सुनाते हैं, तो उसमें जो है IPC के अकॉर्डिंग जो है उसमें सैंक्शंस दी रहती हैं। दंड निर्धारित किया जाता है कि कौन से मुलजिम को क्या सजा देनी है, उस सैंक्शन के अंतर्गत उसको जो है सजा सुनाई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ CRPC को भी नहीं हम भूल सकते। CRPC यानी क्रिमिनल, जो हमारा CRPC है, क्रिमिनल पैनल कोड, इसमें जो है दंड किस तरीके से किया गया, क्या प्रक्रिया है उसकी, किस तरीके से, ठीक है। तो उसके बारे में आप जो है CRPC में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सब्जेक्ट जो है मुझे पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया, और IPC खासकर मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था फर्स्ट ईयर में, ठीक है। मेरे पास तो फर्स्ट ईयर में था, आप लोगों के पास में भी, कौन से ईयर में हो या कौन से सेमेस्टर में हो। जैसे कि आपको बताइए कि अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग जो है सेमेस्टर और एनुअल में सब्जेक्ट शामिल कर लेती है। इसमें जैसे कि आप तीन लोग इकट्ठा होते हैं तो वो किस तरीके से, मतलब इकट्ठा नहीं हो सकते। जैसे कि अभी आपको पता है एक महामारी आई है, अभी तक चल रही है COVID-19, तो जो उसमें लगा दिया गया, जो पाबंदी लगा दी गई थी, तो उस पर कौन सी धारा मेंशन थी, तो वो जो है हमारे IPC के अंतर्गत आती है। और जैसे कि इसमें बलवा कर देते हैं कई लोग, मतलब आपस में मिलके झगड़ा कर देते हैं, कहीं पे जुआ चल रहा होता है, चार से पांच छह लोग जो है बैठ के जुआ खेल रहे होते हैं, और उसमें जो है उसमें धारा निर्धारित करी गई है IPC के अकॉर्डिंग। और मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं इसमें, दुष्प्रेरणा की भावना आ जाती है मेरे को, मतलब चैप्टर्स ना सारे माइंड में एकदम से आ, आ, बसे पड़े हैं आप कह सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा। अगर आपको क्रिमिनल अगर आपको क्राइम का देखना है आफ्टर LLB और BA LLB, अगर आप क्रिमिनल साइड में जाना चाहते हैं, दो सिविल में या क्रिमिनल में, तो सिविल में तो ये नहीं चलेगा, क्रिमिनल में जो है आप अगर इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो आप इसमें जो है इसमें आप जा सकते हैं। क्रिमिनल कोर्ट में जो है इसकी सुनवाई होती है, और आप क्या अगर इस सब्जेक्ट पे अच्छी आपकी पकड़ है तो आप बहुत अच्छे से जो है क्रिमिनल मैटर्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कोई कोई भी केस ले लीजिए, मर्डर केस, या फिर कोई मारपीट का केस, या कोई 425, 426, 400, मतलब इस तरीके से कोई धाराएं लगी हो, बहुत सारे क्रिमिनल मैटर होते हैं, इसकी तो कोई मतलब गणना ही नहीं है। और नए नए कानून भी संशोधन होते रहते हैं, जो हमारे पुराने कानून होते हैं उनमें संशोधन, अमेंडमेंट्स, ये तो लगा हुआ है, कभी किसी कानून में अमेंडमेंट हो जाता है, कभी किसी कानून में अमेंडमेंट हो जाता है। तो जो है इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि कहीं आप जो है अधूरा ज्ञान लेके जज के सामने वार्तालाप कर रहे हो, दूसरे एडवोकेट ने आपको दूसरा ज्ञान, ये ज्ञान दे दिया कि भाई नहीं, इस वाले मैटर में तो ये अमेंडमेंट हो चुका है और अब ये चीज़ लागू होगी, तो फिर आप वहाँ पे कहीं के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि आपको अधूरा ज्ञान रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सारे संशोधन वगैरह देखते रहना है। सारे तो आप नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी आपके पास खाली टाइम मिले तो आप उसमें ये सारी चीज़ें देखिए, और आप जजमेंट्स देखिए कैसे पास होती हैं, कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे जजमेंट्स पास होती है। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि हम लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और इसकी प्रैक्टिस जो है वो कभी भी नहीं ख़त्म होती। प्रैक्टिस आप बूढ़े भी हो जाएंगे, 60 इयर्स, 70 इयर्स, तो भी
मतलब एक एडवोकेट यही मानता है कि मैं अभी भी एक प्रैक्टिस के मोड में हूँ और प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो एलएलबी का जो विस्तार है, जो मतलब ये देखिए इसकी व्याख्या करना बहुत ही कठिन है। इसका इतना मतलब स्कोप है कि अगर एक बंदा अगर चाहे कि मैं मुझे पूरा ज्ञान है इस चीज़ के बारे में, तो आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस, और कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बहुत चीज़ें शामिल होती हैं। आप यही लगा लीजिए, इतनी सारी धाराएं हैं, तो वो क्या सीनियर्स भी क्या करते हैं, कई बार उनको ना बार एक्ट खोलने की ज़रूरत पड़ती है, और उनके पास होती है, आपने एक मोटी सी बुक देखी होगी जिसको बार एक्ट के नाम से जाना जाता है, तो वो उसको ना खोल के और फिर देखते हैं कि हाँ भाई इस पे ये पार्टिकुलर ये धारा मेंशन होनी है। अगर आप उनको कोर्ट में कोई फाइल लगानी है तो जो मैटर है उससे मिलती जुलती वो धाराएं जो है उसमें मेंशन कर देते हैं, और ये डिपेंड करता है तर्क और वितर्क पे और अपोजिट पार्टी पे कि वो क्या इविडेंस प्रस्तुत करती है। फिर जो हमारे माननीय जजेस होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके आगे जो है समस्या रखी जाती है, अगर समस्या का निदान होता है तो फिर देखा जाता है कि वाकई में ये चीज़ करेक्ट है या नहीं है विद इविडेंस, तब जाके वो धारा जो है पास की जाती है। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारी आप सेंक्शंस मेंशन कर दीजिए अपने मैटर में, तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जो है पास हो जाएंगी। उसमें देखा जाता है कि क्या करेक्ट है क्या गलत है, और अगर ये बोला गया है तो इसका इविडेंस क्या है, किस बिहाफ पे हम इस चीज़ को जो है मान लें कि हाँ भाई ये जो आपके सामने है बंदा या बंदी वो मुलजिम है। तो इस तरीके से मतलब आपको मतलब आपके नॉलेज के लिए मैं ये वीडियो बनाती रहती हूँ। और इसी बीच में एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि अगर देखिए अगर आप नया आपने विजिट किया इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए दबाइए, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। अच्छा, जो नए वकील होते हैं वो जाते हैं मतलब सीनियर्स के अंडर काम करते हैं, तो आप जब भी किसी सीनियर को चूज़ करें अपने लिए, भाई ये आपका अपना मैटर है, आप किसके साथ जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर आप यंग लॉयर्स या यंग एडवोकेट्स यानी जो अभी अभी निकले हैं, 4 साल हुए हैं उन्हें, 5 साल हुए हैं, अगर आप उनके साथ लग जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको उतना नॉलेज मिले ना मिले, मिल भी सकता है, क्योंकि कई लोग तो छोटी एज में ही, छोटी एज इन द सेंस 4-5 साल में ही बहुत सारा जो है ज्ञान समेट लेते हैं। उतना उनको हो सकता है मे बी कि 10 साल 10 साल जिन्होंने प्रैक्टिस की है उनको भी इतना नॉलेज ना हो। तो आप जब भी देखें किसी को, किसी सीनियर एडवोकेट को, तो वो आप इस तरीके से देखें कि हाँ भाई इनको नॉलेज है, ये अच्छे से केस को हैंडल करते हैं, आपको भी मौका देंगे बोलने का, आप भी जाएंगे कोर्ट रूम में और आपको भी जो है डिबेट करने का दूसरे एडवोकेट के साथ मौका दिया जाएगा, और किस तरीके से केस फाइल लगानी है, एक केस फाइल अगर हम जब लगाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। और इस चीज़ के, इस टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।